बीते 31 मार्च को मलेशिया में आयोजित हुए मलेशियन ओपन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स चैंपियन में भारतीय टीम की तरफ से 3 सदस्यीय टीम में से जोशिका पाल ने प्रतिभाग किया। जोशिका पाल अंडर 1900 मीटर दौड़ में पांचवां और 200 मीटर में चौथा स्थान हासिल कर गोरखपुर लौटी। धाविका जोशिका पाल का बुधवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्वागत और सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रामा शरायत धाविका को पुष्पगुच्छ देकर साफा पहनाकर सम्मानित किया। बताते चलें कि जोशिका पाल रेलवे में कार्यरत पूर्व राष्ट्रीय पहलवान सुदर्शन पाल की पुत्री हैं, जो गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र की रहने वाली हैं। वर्ष 2011-13 में प्रशिक्षक संतोष यादव से रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त कर वर्तमान में लखनऊ साई सेंटर चली गई। वहां कड़ी मेहनत कर जोशिका का भारतीय एथलेटिक्स टीम में चयन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ए के पांडे, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान राकेश सिंह, दिनेश सिंह, पन्ने लाल, जवाहर प्रसाद, मोहम्मद अख्तर, गौतम यादव, संतोष यादव सहित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के अन्य प्रशिक्षक और खिलाड़ी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रामा शरय और धाविका जोशिका पाल ने कहा, खड़े हो आप लोग, बैठ जाओ एक लाइन। हमारे बीच में एनआर के कोच राष्ट्रीय पहलवान सचवान राज्य के पहलवान हरिश्चंद्र वाली उस बालिका का स्वागत एवं सम्मान करें। उसके पहले जिसके पद चरणों को देखते हुए यहाँ के बच्चे बड़े हुए। ताली बजाइए भाई। बड़ा जी, बड़ा जी, लाओ बाबू, लाओ बाबू, ये चलिए चलिए। मलेशियन ओपन ग्रैंड प्रिक्स था, कंपटीशन बहुत टफ था वहाँ का, और टाइमिंग भी मतलब बहुत रेंज ऊपर थी, सीनियर प्लेयर आए थे वहाँ पे। जो प्रतिबंधी थे किसे माने थे? सारे ही अच्छे थे मुझसे, मतलब कजाकिस्तान की थी वो बहुत टफ थी मेरे से, एशियन गेम्स की प्लेयर थी वो, अच्छी प्लेयर थी। तैयारी तो अभी उतनी अच्छी नहीं है, अभी स्टार्ट होगी। कितना टाइम लगा आपको रिकॉर्ड बनाने? मेरा रिकॉर्ड 24.80 का है, 200 मीटर का, जो ने मतलब पिछले साल बनाया था नॉर्थ जोन मीट में, और 100 मीटर का 12.32 है, उसी मीट में बनाया था, अपना रिकॉर्ड तोड़ के खुद बनाया था। और प्रैक्टिस तो अब फिर से स्टार्ट होगी करना। अभी कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? लखनऊ साई। आगे का लक्ष्य क्या है? एशियन गेम्स। बहुत ही खुशी की बात है, हमारे गौरव की बात है, हमारे गोरखपुर जनपद के लिए, इस क्षेत्रीय हमारे मंडल के लिए है, ऐतिहासिक पल है, जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जाकर के इस गोरखपुर के धरती की एक बिटिया ने हमारे मान सम्मान को भारत के तिरंगे के रूप में फहराया है, हमारे गौरव की बात है। एथलेटिक में बहुत दिनों से इधर का कोई प्रोग्राम, हमारे पूर्वांचल का कोई खिलाड़ी नहीं आ पाया था इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन इस लड़की ने इंटरनेशनल लेवल पर ले आ करके हम सभी का गौरव बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम लोग खिलाड़ी थे तो अंतर्राष्ट्रीय फलक का नाम आता था, आज अंतर्राष्ट्रीय फलक की एक लड़की ने मान सम्मान बढ़ाया, हम उसको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि और आगे जाकर उसका भविष्य उज्ज्वल हो, ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स में उसका पदक जीते, हम लोगों के लिए शुभकामना।